नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह, बोल्सकाई में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है। ऐसे में लोग इससे काफी डरे हुए हैं और लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। आज इस वीडियो में आपको डॉक्टर अरुण मित्रा बताएंगे कि कोरोना से किस तरह से अपना बचाव करें और इससे डर के नहीं बल्कि किस तरह से इससे सुरक्षित रहें। आप भी देखिए डॉक्टर अरुण मित्रा ने किस तरह से इस वायरस से खुद को बचाव करने के तरीके को बताया है। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, इस स्थिति में सावधानियां बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। छोटी छोटी सावधानियां हैं जो कि हमें बीमारी से बचा सकती हैं। मास्क लगा के रखें और मास्क से नाक और मुंह दोनों को ढकें, दोनों ऐसे ढके होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज करें जहाँ पर हाथ धोने की व्यवस्था ना हो। तीसरी बात यह है कि जब भी किसी से बात करें तो 6 फुट की दूरी रखें, यानी कि शारीरिक दूरी रखनी है एक दूसरे से, लेकिन सामाजिक तौर पे एक दूसरे से हमें जुड़े रहना है। और नई टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे तरीके दिए हैं सामाजिक तौर पे जुड़े रहने से, जो हमारे को मन में सुख मिलता है और मन हमारा मजबूत होता है। एक ही बात, अभी लोगों में डर फैल गया है बहुत। डरने की कोई बात नहीं है, बात तो सावधानियां बरतने की। अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप इस महामारी में ठीक ठाक रहेंगे। ये जो वायरस है, ये जब कोई बोलता है, छींकता है, खांसता है, उसके मुंह से जो कण निकलते हैं उसमें होता है और वायरस फिर हवा में आ जाता है आपके सामने। वो कण अगर आप में जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकती है। जब हम 6 फुट की दूरी की बात करते हैं कि जो मोटे कण होते हैं हमारे मुंह से निकलते, वो 6 फुट तक नहीं जाते, नीचे गिर जाते हैं। और जो बिल्कुल वायरस के सूक्ष्म कण हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु है, वो हवा में रहता है। इसलिए जो बंद कमरे हैं उसके अंदर इस जीवाणु के रहने का खतरा ज़्यादा है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि घर के दरवाजे खिड़कियाँ हमेशा खुले रखें, एग्जॉस्ट फैन भी जहाँ पर ज़रूरत हो चला के रखें, और इससे क्या होगा कि हवा ताज़ी आती रहेगी और वायरस बाहर निकलता रहेगा। इतनी छोटी छोटी सावधानियों से अगर हम ध्यान रखेंगे, सावधानियों को बरतेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। और आने वाले समय में ये महामारी कुछ देर और है, जब ये समाप्त हो जाएगी फिर हम पहले की तरह अपने जीवन की क्रियाएँ जारी रख सकेंगे। धन्यवाद।